Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Free College, University of Allahabad. This is my email ID, and today I am going to discuss a topic under the main heading of educational technology, that is difference between hardware and software approach to educational technology. The lecture will be in bilingual mode, and it is a basic conceptual understanding about educational technology. So let's start. First of all, हार्डवेयर अप्रोच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं किस पर, शैक्षिक तकनीकी के कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम के बारे में। तो जैसे ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आप बीए में पढ़ें, बीएड में पढ़ें, एमए में पढ़ें, एमएड में पढ़ें, या तो सबसे उसका मेन, जैसे ही वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में आपका सिलेबस आपको बताता है, वैसे ही वो बताता है कि अप्रोचेस टुवर्ड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसमें आपको तीन अप्रोचेस पढ़नी होती है, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच पर हम बाद में बात कर लेंगे, तो यहाँ पर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच को जानेंगे और उनके बीच का डिफरेंस जानेंगे। हार्डवेयर अप्रोच हम लोग जनरली, चूंकि अब सभी टेक्नो सेवी हो गए हैं, सभी को बहुत कुछ पता होता है, तो हम लोग हार्डवेयर को जानते हैं कि मशीनरी जिसको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम जानते हैं वो प्रोग्रामिंग जिसको हम टच नहीं कर पाते। जनरली मोटा मोटा ये डिफरेंस हम लोग मानकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात हो रही है, इसलिए हमको थोड़ा सा एडिशनल जानकारी रखनी होगी। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया बिहाइंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आई एम सॉरी, शैक्षिक तकनीकी के बारे में जो बेसिक आइडिया है वो क्या है। यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, ह्यूमन हो सकते हैं या नॉन ह्यूमन, इन ए सिस्टमैटिक मैनर टू फाइंड अ वायबल सॉल्यूशन टू एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि शैक्षिक समस्याओं को हम कैसे सिस्टमैटिक मैनर से सॉर्ट आउट कर सकते हैं जिसमें कि हम सारे अवेलेबल रिसोर्सेज यूज कर लें, वही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। एनसीईआरटी ने 2006 में ये बताया है। फिर अब हार्डवेयर अप्रोच को जानते हैं, क्या है हार्डवेयर अप्रोच शैक्षिक तकनीकी में। ये कह रहे हैं कि हार्डवेयर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस, मतलब कि अनुदेशन देने के लिए हम कुछ ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट बना लें, कुछ ये टीचिंग मशीन जिसके बारे में आप जानते हैं, या कुछ इस तरीके की एकदम पर्टिकुलर चीज जो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, और हमने इसमें लगाया कौन सा प्रिंसिपल है, इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल लगाया है। यानी एप्लीकेशन किसका है, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट ऐसा बनाया है जिससे हम इंस्ट्रक्शन देंगे। ओके, मोशन पिक्चर, जैसे इन्होंने बता दिया मोशन पिक्चर्स, आपका टेप रिकॉर्डर्स जो टेलीविजन स्पेशली फॉर इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग मशीन एंड कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एजुकेशनल हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल लगे हैं, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट है और ये इंस्ट्रक्शन देने के काम आ रहे हैं। और हार्डवेयर अप्रोच मैकेनाइजेस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग सो दैट टीचर्स वुड बी एबल टू डील विद मोर स्टूडेंट्स विद लेस एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेटिंग देम। यानी कि ये जो आपकी कठोर शिल्प उपागम है वो क्या करता है, शैक्षिक प्रक्रिया का मशीनीकरण एक तरीके से उसने कर दिया है, जिससे क्या हो सकता है कि जो शिक्षक है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से एक बार में डील कर सके और कम से कम उसका एक्सपेंडिचर खर्च हो। भाई टेलीविजन पे आपका शैक्षिक प्रोग्राम आ रहा है, आप मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख सकते हैं और खर्चा कितना है, कम है। उसी तरह से टीचिंग मशीन, उसी तरह से कंप्यूटर्स, उसी तरह से टेप रिकॉर्डर, आपने एक बार टेप कर लिया, आप इन न्यूमरस टाइम उसको सुन सकते हैं, मोशन पिक्चर है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, शैक्षिक प्रक्रिया का हमने मशीनीकरण किया है। और क्या है हार्डवेयर इन एजुकेशन, इट इज नथिंग बट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। हमने क्या किया है, शिक्षा में तकनीक लाए हैं। तो इसको समझने के लिए आपको मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच क्या है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, और सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द मैकेनाइजेशन ऑफ लर्निंग बाय द यूज ऑफ सच इलेक्ट्रोमैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पहली स्टेप है यहाँ पे, मतलब हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाए, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट है और ये लेसर एस्पेक्ट है उससे। सॉफ्टवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच वहां पे क्या लग रहा था, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स लग रहे थे, हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट बना रहे थे और उनसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर अप्रोच यूजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज किया जा रहा है, फॉर बिल्डिंग इन द लर्नर्स अ कॉम्प्लेक्स रिपर्टरी ऑफ नॉलेज और मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर।
यानी कि लर्नर की या तो हम बिहेवियर मॉडिफाई करना चाहते हैं या उसको नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हैं, और प्रिंसिपल हम किसके यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजी के. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बिहेवियरल साइंसेज, यानी कि अभी आप आगे देखेंगे स्किनर का इस पे काम है मेनली. तो प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है. ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहती है कि जैसे ही आप चाइल्ड को आपको री इन्फोर्समेंट देना है, यानी कि री इन्फोर्समेंट से लर्निंग क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है. तो ये जो सॉफ्टवेयर अप्रोच आई है ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, बिहेवियरल साइंसेज से. एंड दे आर अप्लाइड एस्पेक्ट्स कंसर्निंग द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, कि कैसे जो लर्नर है वो सीखता कैसे, उसकी साइकोलॉजी क्या है, लर्निंग की साइकोलॉजी. द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग प्रोवाइड सॉलिड टेक्नोलॉजी फॉर ब्रिंगिंग डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस in the pupils and thus serves the cause of education by laying down definite instructional procedures, teaching behavior and behavior modification devices. मतलब psychology of learning हमको ये प्रोवाइड कर रही है टेक्नोलॉजी, कि हम बच्चे में स्टूडेंट में डिजायरेबल बिहेवियरल चेंज ला सकें, और हम क्या कर सकें, डेफिनेट इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, टीचिंग बिहेवियर हम मॉडिफाई करेंगे और बिहेवियर मॉडिफिकेशन डिवाइसेस का यूज करेंगे. तो सॉफ्टवेयर अप्रोच में पायनियरिंग वर्क किसका है, स्किनर का. वाज डन बाय स्किनर एंड अदर बिहेवियरिस्ट. क्यों, क्योंकि बिहेवियरल साइंसेज से इसकी ओरिजिन हुई है. द सॉफ्टवेयर अप्रोच इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. इसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी. यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच को तीन नामों से जाना जाता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी. द सॉफ्टवेयर अप्रोच इज कैरेक्टराइज्ड बाय टास्क एनालिसिस, राइटिंग प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजीज, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन. यानी कि ये पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये डील कर रहा है. इसलिए सब कुछ है इसमें, कि हमको टास्क एनालिसिस करनी है, यानी कि हमको पहले ये विश्लेषण करना है कि हम चाहते क्या है, फिर जो भी हम चाहते हैं उसके लिए हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, लिखेंगे उसको, फिर हम लर्निंग स्ट्रेटजी चुनेंगे कि कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी सबसे एप्रोप्रिएट है बिहेवियर में मॉडिफिकेशन के लिए, फिर बच्चा स्टूडेंट जैसे ही रिस्पॉन्स करेगा हम उसको इमीडिएट रीइंफोर्समेंट देंगे और कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन करेंगे. फिर वही बात आ गई कि सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन इज नथिंग बट द टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन. हार्डवेयर अप्रोच क्या था, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. बिकॉज द टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस, टेक्निक्स एंड मेथड्स इन एजुकेशन. इट डील with the systematic and effective application of various devices. Okay? तो ये कठोर शिल्पोपागम है जिसमें हम मशीनीकरण की बात कर रहे हैं. कोमल शिल्पोपागम हम प्रोग्रामिंग की बात करें कि उस मशीन में प्रोग्राम कौन सा रन करेगा. तो जो प्रोग्राम रन करेगा, चूंकि इंस्ट्रक्शनल पर्पजेस के लिए बनाया गया, इसलिए वो किसको फॉलो करेगा, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग को, बिहेवियर मॉडिफिकेशन को. ओके, अब अंतर देख लेते हैं. हार्डवेयर अप्रोच की ओरिजिन किसमें है, फिजिकल साइंसेज में और अप्लाइड इंजीनियरिंग में. सॉफ्टवेयर अप्रोच की ओरिजिन कहाँ है, बिहेवियरल साइंसेज में एंड देयर अप्लाइड एस्पेक्ट्स कवरिंग द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग. हार्डवेयर अप्रोच का कंसर्न किससे है, एजुकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड मटीरियल एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड मास मीडिया फॉर हेल्पिंग टीचर्स एंड लर्नर्स इन देयर टास्क. ये ऑडियो विजुअल मटीरियल पे इनका एम्फेसिस है कि हम मशीनीकरण हमको करना है ना, और ये क्या कर रहे हैं, ट्राई टू मेक यूज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग फॉर द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्निक्स एंड मटीरियल्स. इन टर्म्स ऑफ क्या बनाना चाहते हैं, हम लर्निंग मटीरियल बनाना चाहते हैं, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करें जिससे इंस्ट्रक्शन बढ़िया दिया जा सके, बिहेवियर में हम मॉडिफिकेशन कर सकें, एंड अदर डिवाइसेस फॉर स्मूदनिंग द टास्क ऑफ टीचिंग लर्निंग. यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या कर रहा है, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को स्मूदन कर रहा है, और हार्डवेयर अप्रोच क्या कर रहा है, उसका मैकेनाइजेशन कर रहा है, यूटिलाइजेशन कर रहा है. ओके, तो हार्डवेयर अप्रोच का मेन इंटरेस्ट किसमें है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, की निकल के क्या आ रहा है, उत्पाद क्या पैदा कर रहे हैं आप. और सॉफ्टवेयर अप्रोच प्रोसेस ओरिएंटेड टेक्निक है कि कैसे बढ़िया उत्पाद निकलेगा. उत्पाद यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट ही उत्पाद है. तो कैसे बढ़िया स्टूडेंट आप निकाल सकते हैं, कैसे बढ़िया स्टूडेंट बनेंगे, क्यों, तब जब उनकी जो प्रोसेसिंग चलेगी, जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है वो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के फॉलो अप के अनुसार होगी. और यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर अप्रोच बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सर्विस मीनिंग. हियर बाय देयर प्रोवाइड सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि भाई हमको शिक्षा में डिजिटलाइजेशन करना है, कंप्यूटराइजेशन करना है, तो वो इतने कंप्यूटर्स चाहिए, तो इस कंसेप्ट पे ये काम करती है. और सॉफ्टवेयर अप्रोच उस कंसेप्ट में उस कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या रन करेगा, हम खाली कंप्यूटर लेकर थोड़ी बैठेंगे, उसमें क्या चीज है जो हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से स्टूडेंट को बता सकते हैं. तो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर मटीरियल बीइंग यूज्ड बाय द हार्डवेयर एप्लीकेशन. उस कंप्यूटर में रन क्या कराना है, एंड गैजेट्स फॉर डिलीवरिंग देयर सर्विसेज टू द यूजर्स. मतलब जो हार्डवेयर अप्रोच है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच के बिना कुछ नहीं है. आपके पास प्रोग्रामिंग के बिना आप कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है. ओके,
examples of the appliances and gadgets being used in hardware technology services, we can name radio हो सकता है, television हो सकता है, tape recorder हो सकता है, video slides हो सकती हैं. और यहाँ पे हम क्या नाम देंगे? Programmed learning material and teaching learning strategies and based on the psychology of learning. उसी तरह से hardware technology uses the services of software technology, है ना. बिना software technology की services के usage के hardware technology का कोई अर्थ नहीं है. For its use and function, it cannot go without the aid of software technology. वही बात आ गई कि software technology की सहायता के बिना hardware approach कुछ भी नहीं है. और software approach क्या है? Software technology proves most useful and productive in the case if it is assisted and made into use by hardware applications and gadgets. प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल आपका बन गया है, पर कोई मशीन तो चाहिए, टीचिंग मशीन तो चाहिए जिसपे वो रन किया जा सके. मतलब सॉफ्टवेयर अप्रोच भी हार्डवेयर अप्रोच के बिना कुछ नहीं, उसको भी कोई मशीन चाहिए जिसपे वो प्रोग्राम रन करेगा. तो मशीन हार्डवेयर अप्रोच प्रदान करती है और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर अप्रोच प्रदान करती है. यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के मतलब पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है. और हार्डवेयर अप्रोच इट हैज मास अपील एंड यूटिलाइजेशन, जबकि सॉफ्टवेयर अप्रोच का नो सच वाइड एप्लीकेशन एंड अपील टू द मासेस. कितने लोग हैं जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के बारे में जानते हैं पर कंप्यूटर्स के बारे में सभी जानते हैं. फिर इट हैज रिजल्टेड इन इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ एजुकेशनल मींस एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. कौन सा? हार्डवेयर अप्रोच. क्यों? उसने एफिशिएंसी बढ़ा दी और उसने कॉस्ट ऑफ एजुकेशन घटा दिया है. लेकिन सॉफ्टवेयर अप्रोच का लैग्स बिहाइंड इन द टास्क ऑफ इंप्रूविंग इफिशियंसी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. मतलब वो हार्डवेयर को असिस्ट कर रहा है ऐसा करने में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना ये नहीं कर पाएगा. लेकिन तब भी सॉफ्टवेयर अप्रोच को हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये लैग करता है. उस हिसाब से इफिशियंसी और बढ़ाना और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन घटाने का काम सॉफ्टवेयर अप्रोच का नहीं है. ओके, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया. हार्डवेयर अप्रोच फिजिकल साइंसेज के एप्लीकेशन से इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट का निर्माण है जिससे आप इंस्ट्रक्शन दे सकें. सॉफ्टवेयर अप्रोच उस प्रोग्रामिंग का निर्माण है जो कि उस इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट में रन कराया जाएगा ताकि आप एजुकेशन की इफिशियंसी को बढ़ा सकें और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को घटा सकें. उसी में कुछ पॉइंट्स और हैं. आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है, गैजेट्स का क्या नाम है, इसकी मास अपील है, इसकी अपनी मास अपील नहीं है. बस यही कुछ खास. लेकिन इतना भी अगर हम नहीं जानते हैं तो हम फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर कवर करने को आता है तो हम कुछ भी बस दो लाइन लिख देते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर. पता होता है तो फिर बढ़िया रहता है. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. कीप लर्निंग. ओके, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. डन फ्रॉम माई साइड.